हेलो डी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है नॉर्थसाइड सिक्स जो 14 अप्रैल को हुआ था उसका आज रिजल्ट आ चुका है ना। तो नॉर्थसाइड सिक्स में क्वालिफाई होने वाले सारे RNCCs को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर करें, यही हम चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी एम्स के अंदर अपनी सीट फिक्स करें। ठीक है ना, चलिए ओके। तो बात करें अपन, अभी कैंडिडेट के कॉल मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर अभी हम इस सिचुएशन पे करें क्या, है ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का हो गया है, कुछ स्टूडेंट का नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए एक पाथवे बताने का जो है वो आज रहेगा, है ना, कि कैसे आपको आगे के लिए प्लान करना है ना। ओके, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है उनके लिए, है ना, तो आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक एग्जाम आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो डिसाइड नहीं करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिसाइड करती है ना। ओके, तो आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप रुकने के लिए तैयार ना हो, है ना। ओके, तो अपन देखते हैं कि अभी जो स्टूडेंट की सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग अपन 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वो जो अभी अंडर ग्रेजुएट है या जिन्होंने अभी जस्ट नॉर्थसाइड 7 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए है ना, और दूसरे जिन्होंने अभी नॉर्थसाइड 6 को प्री को क्वालिफाई कर लिया है, एंड तीसरे जिनका एग्जाम के अंदर नहीं हुआ है ना। ओके, तो इन तीनों के लिए क्या क्या किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो स्टडी, है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए क्या रहेगा, उनको कैसे प्रिपेयर करना रहेगा, है ना। ओके, तो अगर आपने नॉर्थसाइड 6 प्री जो है वो आपने क्वालिफाई कर लिया है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो आपका मटेरियल है, जो आपके नोट्स है, उस पर विश्वास रखना है, उसी को वापस पढ़ना है ना। कुछ नया आपको करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको जस्ट जो ये 15-16 दिन बच रहे हैं इनके अंदर रिवाइज करना है। और साथ में आप चाहें तो RNCC आपके लिए लाया है क्या, RNCC मेंस स्पेशल टेस्ट सीरीज लाया है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आपको टेस्ट मिलेंगे। मॉर्निंग के अंदर आपको प्री नॉर्थसाइट मिलेंगे और इवनिंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट टेस्ट, एंड सैटरडे संडे सेम एज मॉर्निंग क्या रहेगा, प्री नॉर्थसाइट 6 स्पेशल्स रहेगा। ठीक है, ओके, तो टोटल इसमें 40 टेस्ट है, जो हमने 15 से स्टार्ट कर दी थी टेस्ट सीरीज टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ 20 डेज का पीरियड बचा था, तो हमने 15 से इसको स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी स्टूडेंट ने पहले ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन अभी भी कोई लेट नहीं है। आज 19 हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर अप कर लोगे, सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक है, ओके, तो ये प्री की मेंस की जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर जैसे आपने प्री में देखा है, प्री के अंदर जो क्वेश्चंस का कंटेंट था, अब मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा और उसको एडवांस किया गया है, थोड़े एडवांस लेवल के अच्छे MCQ जो मेंस में आने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे सब्जेक्ट जैसे साइकेट्री वगैरह से क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, तो वो मेंस में आने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने कंपेरेटिवली देखा है कि किस सब्जेक्ट को प्री में कम पूछा है, तो उसका इनडायरेक्टली हमने मेंस के अंदर रखा है कि हाँ इसके क्वेश्चन यहाँ आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको अपन ज्यादा वेटेज देंगे। ठीक है, ओके, तो ये होगी किसके लिए, जो नॉर्थसाइड 6 प्री क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके लिए 20 डेज का प्लान हो गया है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ना। ओके, अब सेकंड बात करते हैं कि जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, है ना। तो आपके लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रखी है अभी बहुत सारा, मतलब 2024 का मैं सबसे बेस्ट टाइम मानूंगा तो वो आपका अप्रैल में है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। कौन कौन सी है अभी बात करें तो ESIC बहुत अच्छी 1930 की वैकेंसी आ रखी है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ESIC की जॉब अपनी चिल लाइफ के लिए जानी जाती है ना, बहुत शानदार जॉब है। ठीक है, बाकी बात करें यूपी की वैकेंसीज के लिए बात करें तो K SSS हो गया, SGPGI आ रखी है, RML आ रखा है, ठीक है, और DSSS भी है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। तो बिल्कुल आपको है ना अपने पाँव पीछे नहीं करने हैं, आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है ना। ओके, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थसाइड 6 में आपका अगर नहीं हुआ है तो आप वो जो आपका डेडिकेशन था, कंसिस्टेंसी थी, वो आप ESIC में लगाइए, दूसरे एग्जाम में लगाइए, डेफिनेटली जो सक्सेस है वो आपको जल्द ही मिलेगी, है ना। ओके, तो ESIC का आपको पता ही होगा, RNCC ने 1 तारीख से ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी थी और मेगा अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो नॉर्थसाइड 6 की प्रिपरेशन कर रहे थे वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 1 से लेकर 14 तक आपको जो शेड्यूल देखने को मिला है ना, ये सारे टेस्ट आगे जाकर के वापस रिपीट होंगे, क्योंकि हमने ये नॉर्थ सेट के लिए रखे थे प्योरली, है ना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि 1 से 14 तक जो टेस्ट है वो प्योरली क्या है, मतलब नॉर्थ सेट और ESIC मिक्स है, नॉर्थ सेट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो रीजनल सिस्टम 15 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से
प्योरली ईएसआईसी ओरिएंटेड ये टेस्ट सीरीज है। सारे क्वेश्चंस आपको ईएसआईसी पैटर्न्स के मिलेंगे, इसमें इमेज बेस आपको नहीं मिलेंगे। बाकी आपको मल्टीपल करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो मतलब बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, ठीक है। ओके, तो ईएसआईसी 1930 की वैकेंसी है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड अपन बात करें, KSSC का एग्जाम होने वाला है, तो अभी कुछ नहीं है, 8-10 दिन का टाइम बचा है, तो अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए और अपना जो पूरा एफर्ट है वो आप उसमें दीजिए, है ना। ओके, बाकी बात करें अपन SGPGI और RML, तो RML के आपको पता है कि फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और दोनों के एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो इन दोनों के लिए हमने स्पेशल एक तो कॉम्बो प्लान लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको क्या है कंप्लीट थ्योरी और MCQ कोर्सेस है, प्लस जो ये 120 टेस्ट सीरीज है वो इसमें साथ में इंक्लूडेड है ना। ये कॉम्बो पैक स्टार्ट है। और दूसरा जो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर आपको है ना मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज है 120 टेस्ट की वो लेनी है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वीडियो कंटेंट की या क्रेश कोर्स की मुझे नीड है इस एग्जाम के लिए, तो आप कॉम्बो पैक ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये SGPGI RML के लिए हो गया। अब बात करें कि अगर आप फ्रेश हो अभी, है ना, जस्ट जर्नी में उतरे हो, आप नॉर्थसेट 7 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नॉर्थसेट 6 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, ना ही इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सब कुछ समझना है क्या चीज़ है कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो तो आप फुल कोर्स से पढ़िए, है ना। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शॉर्ट टाइम में बढ़िया कंटेंट प्रिपेयर करना है, तो आप MCQ क्रेश कोर्स भी ले सकते हो, है ना। ओके, तो इस तरीके से RNCC का पूरा प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प के लिए हर तरीके से प्रिपेयर है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी अपनी जो सक्सेस है वहाँ पे जा करके अपनी जॉब लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू ऑल।